से कर रहा है इंडिया में अपने नए स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स इन सीरीज़ के साथ में। साथ ही बात करने वाले हैं इसी वीडियो में इसी फ़ोन की कुछ मेन डिटेल्स के बारे में कि कब ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा, इसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है और साथ ही कुछ मेन डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी टाइम से इंडियन यूज़र्स को वेट था एक इंडियन स्मार्टफोन की जो कि मार्केट में अब आने वाला है माइक्रोमैक्स इन सीरीज़ के साथ ही। साथ ही माइक्रोमैक्स भी इंडिया के मार्केट में वापसी कर रहा है इन सीरीज़ के साथ में, जो कि अब ऑफिशियल हो गया है। और इसका पहला फ़ोन जो कि माइक्रोमैक्स इन सीरीज़ का माइक्रोमैक्स इन ए होगा, जो कि 3 नवम्बर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जिसके बारे में माइक्रोमैक्स ने ट्वीट करके बताया है कि बहुत ही जल्दी थी यानी कि 3 नवंबर को इंडियन मार्केट में माइक्रोमैक्स का नया सीरीज़ लॉन्च होने वाला है, जो कि माइक्रोमैक्स इन 1A होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोमैक्स इन सीरीज़ के पहले स्मार्टफोन के बारे में, माइक्रोमैक्स इन 1A जो कि इंडिया में 3 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। फ़ोन की सारी डिटेल्स अब ऑफिशियल हो गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की, तो जिस पे आपको 6.5 इंचेस का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साथ ही आपको इसमें मीडियाटेक हीलियो G85 और G35 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, यानी कि दो वेरिएंट पे, यानी कि दो अलग अलग फ़ोन्स में जो कि अलग अलग रैम वेरिएंट के साथ भी आएगा, उसमें आपको दो अलग अलग प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। साथ ही अगर बैटरी क्वालिटी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इसमें आपको 3 GB रैम और 4 GB रैम का दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि 64 GB तक की स्टोरेज के साथ आपको मिलने वाला है। और अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो इस पर आपको 13 MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा और साथ ही ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो इस पर आपको 8 MP का कैमरा देखने को मिल सकता है। और इसके बाद बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइसिंग की, तो इस फ़ोन का प्राइस जो है ये ऑफिशियली अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि इस फ़ोन की प्राइसिंग 7 से 10 हज़ार के बीच में होने वाली है। यानी कि माइक्रोमैक्स इन सीरीज़ के अंदर जितने भी स्मार्टफोन आएंगे ऑलमोस्ट सबके प्राइस 10 हज़ार से कम की प्राइस में ही होगा। और माइक्रोमैक्स इन ए जो कि इसका 3 GB वेरियंट का प्राइस 7999 होगा और साथ ही 4 GB रैम वेरियंट का प्राइस 9999 होने वाला है। और कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो माइक्रोमैक्स को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि कस्टमर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही वापसी करने के लिए माइक्रोमैक्स को ये सारी स्ट्रेटजी अपनाना बहुत ज़रूरी होगा। बहुत ही जल्दी माइक्रोमैक्स अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च ना करने के अलावा अगर वो इस पुराने ही फ़ोन में नए नए अपडेट अगर देता रहे तो कस्टमर्स के लिए एक अच्छी बात हो सकती है और साथ ही मार्केट में वापसी करने के लिए ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकता है। साथ ही इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये प्राइसिंग तो काफ़ी कंफर्टेबल है, जो कि किसी भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी।